नमस्कार, मैं मुनीत गोस्वामी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं, इंडिया न्यूज़ के दर्शक, जो आईपीएल 29 मार्च से शुरू होना था, अब वो कोरोना वायरस के चलते 15 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। शायद आईपीएल की अगर हम बात करें तो बहुत संभावना है कि आईपीएल बिना दर्शकों के, और सबसे ज़रूरी बात, बिना कमेंटेटर्स के कुछ नहीं है। कमेंटेटर्स का अगर हम नाम लेते हैं तो बहुत से ऐसे कमेंटेटर्स हैं जो आईपीएल में नज़र आते हैं, बीसीसीआई के हर एक इवेंट में नज़र आते हैं, और साथ ही साथ जितने भी इंटरनेशनल और नेशनल मैचेस होते हैं उसमें बीसीसीआई उन कमेंटेटर्स को ज़रूर शामिल करता है। लेकिन यहाँ पर सूत्रों के हवाले से जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है वो ये कि संजय मांजरेकर को बीसीसीआई ने अपने कमेंटेटर पैनल से बाहर कर दिया है। जी हाँ, इसकी झलक देखी जा सकती है जब पहला वनडे इंटरनेशनल जो साउथ अफ्रीका और भारत के बीच में धर्मशाला में वॉश आउट हुआ रेन के कारण, उसमें संजय मांजरेकर कमेंटेटर्स पैनल में मौजूद नहीं थे। वहां पर सुनील गावस्कर यानी कि सनीपा मौजूद थे, वीवीएस लक्ष्मण यानी कि वेरी वेरी स्पेशल लक्ष्मण जरूर मौजूद थे कमेंटेटर कमेंट्री बॉक्स में, लेकिन वहां पर संजय मांजरेकर मौजूद नहीं थे। संजय मांजरेकर को निकालने की वजह जो सूत्रों के हवाले से निकल कर आ रही है वो ये कि संजय मांजरेकर का काम बीसीसीआई को पसंद नहीं आ रहा था, और साथ ही साथ बीसीसीआई उनसे और उनकी आलोचनाओं से बहुत परेशान हो गया था। जिस तरह से संजय मांजरेकर ने, आपको एक वाक्य याद होगा, 2019 के वर्ल्ड कप यानी कि आईसीसी वर्ल्ड कप के दौरान जब संजय मांजरेकर ने रविंद्र जडेजा पर टिप्पणी की थी कि रविंद्र जडेजा बिट्स एंड पीसीज वाले क्रिकेटर हैं, वहीं हर्षा भोगले पर जब एक हिस्टोरिक पिंक बॉल मैच खेला गया बांग्लादेश और भारत के बीच में कोलकाता में, वहां पर भी संजय मांजरेकर ने बहुत बोल्डली हर्षा भोगले को ये कहा था कि क्रिकेट की बातें आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आप क्रिकेट से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं हैं। तो इसी तरह से संजय मांजरेकर के कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स हैं, कुछ अपने ही उलझी हुई कुछ बातें हैं। हालांकि संजय मांजरेकर ने इन सभी बातों के लिए माफ़ी भी मांगी, और उन्होंने ये भी कहा कि ये पूरा साल उनका जो 2019 का साल था एज अ कमेंटेटर, वो बहुत ही खराब रहा। तो आप कितना मिस करेंगे संजय मांजरेकर को देखना, क्योंकि आईपीएल में भी ये हो सकता है कि आईपीएल में वो दोबारा नज़र ना आए एज अ कमेंटेटर। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका फेवरेट कमेंटेटर कौन है, और आप संजय मांजरेकर को क्या आईपीएल कमेंट्री बॉक्स में मिस करेंगे या नहीं, ये ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ हमारे इंडिया न्यूज़ स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।